उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए गरीबों के लिए निकाली गई योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर दिया है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को 3 महीने तक 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से मुफ्त गेहूं और चावल दिया जा रहा है, जिससे कि इस महामारी के घड़ी में लोगों को भोजन की व्यवस्था के लिए दर दर न भटकना पड़े। वहीं सरकार के निर्देशों पर राशन लेने आए सभी लोगों को एक एक सैनिटाइजर और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना मेडिसिन किट का भी वितरण किया गया। इस दौरान देखिए क्षेत्रीय विधायक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने क्या कहा। जी, आपको परिचय? मैं जिला पूर्ति अधिकारी गाजियाबाद, डॉक्टर सीमा। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्ड धारियों को हम यहाँ पर 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से देंगे, जिसके जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा, जिसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, जिसमें हर एक लाभार्थी को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगा, चाहे वो अंत्योदय कार्ड हो या फिर हमारे PHS कार्ड हो। ये हमारे एक जैसे कोरोना महामारी चल रही है उसके अंतर्गत वो जिसे हमारे किसी भी लाभार्थी को या किसी भी को भी अन्न की कोई दिक्कत ना हो, जैसे हमारे चावल हो गए, गेहूं हो गए, इस हिसाब के किसी की कोई भी दिक्कत ना हो, तो उसकी भरपूर भरपाई करने के लिए हमारी जो सरकार है उन्होंने ये नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत सभी को निःशुल्क राशन दिया जाएगा, जिसमें 3 किलो गेहूँ व 2 किलो चावल का प्रावधान है। साथ साथ में ही हमारे जो कोटेदार हैं उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि सभी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और एक बार में टोकन सिस्टम जारी करेंगे अपनी दुकान पर, और एक बार में केवल 5 से 10 लाभार्थियों को बुलाएंगे और 2 लाभार्थियों के बीच में कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर भी जो वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को चपेट में लिया था, भारत को बचा करके और 2-2 वैक्सीन तत्काल बना करके देश के लोगों को बचाने का काम किया। इस कोरोना में खासतौर से जो सेकेंड वेव है वो बहुत खतरनाक वेव थी, इसमें भी जिस तरह से लोगों को जो ऑक्सीजन की पूरे देश बहुत बड़ा देश है कमी थी, उसको लगातार ट्रेन से और जहाज़ के द्वारा और यहाँ जो प्लांट थे उनके द्वारा लोगों की जो एक कमी थी बीच में लगा था कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, उसको पूरा करने का काम किया। और जो मेडिकल जो किट है, ये जो कोटेदार हैं इनके द्वारा मेडिकल किट, सैनिटाइजर हर राशन कार्ड धारक को दिया जा रहा है। एक यूनिट पर 5 किलो खाद्यान्न चावल है, अंत्योदय वाले उनको चीनी भी है और गेहूँ भी है, उनको फ्री दिया जा रहा है और लगातार 3 महीने चलने वाला है। एक और 1000 रुपये हम लोग जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए भी देने जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमने लगातार लक्कर कैंप लगवा के 10,000 रुपये स्वनिधि योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये दिलवाए। पूरी तरह से देश के लोगों के लिए सरकार खड़ी है, उसी की कड़ी में आज DSO गाजियाबाद के द्वारा ये यहाँ जो हमारा जो राशन वितरण का कार्यक्रम है आज उद्घाटन ये कराया गया है। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि लौनी के प्रत्येक जो पात्र व्यक्ति हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके राशन का भी हम लोग अभी शुरुआत करने जा रहे हैं कि उनके राशन बन जाए टाइमली और उनको कोई देर ना हो, तुरंत जो पोर्टल पर दर्ज हो और उसमें कोई भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो। जो शिकायतें आती हैं कि राशन जो है कार्ड बनाने में कहीं ना कहीं 150 रुपये लेता है, तो ऐसे लोगों को भी हमने कहा है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। एक एक व्यक्ति की सेवा करना, एक एक सांस का हमें बचाने का कार्य करना, ये हमारा अपना धर्म है। और लौनी के अंदर बिल्कुल कोरोना नहीं है, डॉक्टरों ने ये प्रूव कर दिया है। जितने भी अभी टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट के द्वारा पिछली बार केवल एक कोरोना पॉजिटिव केस 121 में था, अब बिल्कुल कोरोना नहीं है। कोई बाहर के जो इन्फेक्टेड जो केस थे वो भी समाप्त हो गए और पूरी तरह से इस तरह वैक्सीन लगाई जा रही है। तो मैं पूरे शासन प्रशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे टाइम पर देश की जनता के साथ जिस तरह से सरकार खड़ी है, अगर कोई और सरकार होती तो शायद लगता है कि देश की व्यवस्था चरमरा जाती। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।